नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हमारा ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही बीतता है। सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में सार्वजनिक शौचालयों में हैंड ड्रायर का चलन बढ़ा है। वैसे तो ये आदत अच्छी मानी जाती है। जब कभी आप वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हैंड ड्रायर का प्रयोग करना नहीं भूलते, लेकिन एक शोध में ये बात सामने आई है कि हाथ सुखाने के लिए हैंड ड्रायर के इस्तेमाल से बैक्टीरिया फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आपको बता दें कि हैंड ड्रायर से हाथ सुखाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन वहीं प्राकृतिक तौर पर हाथ सुखाने में 20 मिनट तक का वक्त लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपके हाथ गीले रह जाते हैं। गीले हाथों से 1000 गुना ज्यादा बैक्टीरिया एक सतह से दूसरी जगह फैल जाते हैं, जो हाइजीन के लिए खतरा पैदा करते हैं। इससे हमारे हाथों से बैक्टीरिया हमारे मुंह तक जाते हैं और फिर मुंह से पेट तक। ऐसे में कई तरह के संक्रमण से हम घिर जाते हैं और कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो हाथ सुखाने के लिए साफ नैपकिन का इस्तेमाल बेहतर विकल्प है। नैपकिन आपके हाथों को ज्यादा बेहतर तरीके से सुखाने में मदद करता है। हाथों के सूखने से अधिकांश बैक्टीरिया मर जाते हैं और संक्रमण की आशंका भी कम हो जाती है। इसके साथ ही आप बीमारियों के खतरे से भी बचे रहते हैं। तो अब आप जब कभी भी किसी सार्वजनिक स्थल पर जाएं, नैपकिन्स का इस्तेमाल करना ना भूलें और हेयर ड्रायर का कम से कम प्रयोग करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।